Welcome to Medigay classes. This is fifth lecture of P block element. Okay. इस lecture का हम start करेंगे oxides of phosphorus, which is also known as oxo acids of phosphorus. Okay. जो phosphorus है that has valence electron उसके 5 होते हैं. तो ये बहुत सारे oxides का formation करता है. ठीक है. एंड ये नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल के ऑक्साइड्स इन जनरल एसिडिक नेचर होता है. दैट्स व्हाई द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस इज नॉन एज ऑक्सो एसिड. ठीक है, वो सारे के सारे एसिड्स होते हैं. तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. ओके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बहुत सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. हम उसका प्रिपरेशन, उसके स्ट्रक्चर खास करके और उसके प्रॉपर्टीज, ये तीन चीज स्टडी करेंगे. तो हम पहला करते हैं, दैट इज नॉन एज फॉस्फिनिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO2. इसको हाइपो फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फिनिक एसिड भी बोलते हैं. इसको फॉस्फिनिक एसिड. ओके, देखते हैं ये बनाते कैसे हैं. तो ये सारे के सारे फॉस्फोरस के ऑक्साइड से, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉस्फोरस से बनता होगा. तो व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, यानी इसमें दो स्टेप, प्रिपरेशन में दो स्टेप इन्वॉल्व होता है. पहला स्टेप है, यानी आप प्रिपरेशन की बात करो तो प्रिपरेशन में पहला स्टेप है आपका, ठीक है, यानी स्टेप वन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विद concentrated sodium hydroxide solution. ठीक है, तो इससे एक compound बनता है. देखिए कैसे, P4 sodium hydroxide aqueous है तो water का bond भी होगा, H2O, देन आप इसको balance कर देंगे. Okay, next one is PH3, इससे जो बनता है आपका phosphine. फॉस्फीन के प्रिपरेशन में ऑलरेडी ये आ चुका है, फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड PO2, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. ओके, ये फॉस्फीन गैस है जिसका प्रिपरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, ये एक स्टेप है. फिर ये जो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड है इसको आयन एक्सचेंज रेसिन समझते हैं ना, पॉलीमर होता है, तो आयन एक्सचेंज रेसिन जो होता है वो आप रेसिन भी बोलते हैं, वो एक मीडियम की तरह काम करता है जो आयन को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया है. यानी H+ से H-, यानी जो पॉजिटिव है तो किसी और में डाल देगा और कोई दूसरा एलिमेंट लेगा, तो आयन एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है. तो स्टेप टू होता है कि ये जो आपका NaH जो हाइपोफॉस्फाइड फॉर्म हुआ है उसको फर्दर ट्रीट किया जाता है आयन एक्सचेंज रेसिन से, जो कि आपका जिससे आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है. सो नाउ NaH2PO2 इज ट्रीटेड
विद्या उसको पास किया जाता है, इज पास थ्रू कैट आयन एक्सचेंज रेजिन। क्या भाई, ये कैटायन एक्सचेंज करता है। देखिए रिएक्शन आपको क्लियर हो जाएगा कि Na Na H2 PO2 when treated with cation resin, तो इसके होता क्या है कि H प्लस एक्सचेंज कर लेता है, यानी ये H प्लस है और ये सोडियम है, तो ये सोडियम भी क्या होगा कैटायन और H प्लस भी कैटायन, तो ये H इसको दे करके सोडियम अपने साथ खींच लेता है, ठीक है। सो फॉर्मेशन हो जाएगा H3PO2 प्लस Na प्लस रेजिन। तो देखिए इस रेजिन में हुआ क्या, रेजिन एक मीडियम है जो आयन एक्सचेंज कर, ये एक पॉलीमर है, ठीक है, ये एक पॉलीमर कंपाउंड है। तो रेजिन ने क्या किया, आयन को एक्सचेंज कर दिया, H प्लस को इधर ट्रांसफर कर दिया और सोडियम को इस साइड ट्रांसफर करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो इसको दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैटायन एक्सचेंज रेजिन, जो कैटायन को एक्सचेंज करना, अपना काम बन गया, हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, तो H3PO2 कंपाउंड और सोडियम रेजिन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, H3PO2 रेजिन बन गया। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फिनिक एसिड का। नाउ अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पूछता भी है। इसका स्ट्रक्चर की बात करो तो फॉस्फोरस एक इससे एक OH H H, दिस इज H3PO2, ये है क्या एसिड। अब यहां से एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि क्लास 11th के केमिस्ट्री में ये इक्विवेलेंट वेट निकालते टाइम में हम यूज करते हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी, उसमें एसिड का हम बेसिसिटी निकालते हैं और बेस का एसिडिटी निकालते हैं, वो क्यों देखिए। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं वहां पे तो हम क्या कर लेते हैं कि H2SO4 एसिड है तो इसका बेसिसिटी कितना होगा 2, जितना हाइड्रोजन एटम होते हैं वो उतना निकाल लेते हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है, वो इनिशियल स्टेज पे ही ट्रू होते हैं। अब देखिए इसमें ये एसिड है लेकिन मोनो बेसिक बोला जाता है, इसमें OH कितना है 1, यहां पे ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि H3PO2 का जो बेसिसिटी है वो आपका 3 है जो हम स्टार्टिंग लेवल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसमें OH ग्रुप कितना है 1, यानी इस एसिड जो एसिड है उस एसिड में OH ग्रुप है 1, दैट्स व्हाई दिस एसिड इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड, यानी ऐसा एसिड जिसमें OH ग्रुप 1 हो। सो स्ट्रक्चर ये हो गया इसका और ये एक मोनोबेसिक एसिड है, इट इज अ मोनो बेसिक एसिड, व्हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 OH, सिर्फ एक OH है इसीलिए मोनो बेसिक है, ठीक है। ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके प्रॉपर्टी देख लेते, प्रॉपर्टीज में आता है क्या, पहला इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज पी और एच बॉन्ड प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो हाइड्रोजन लूज कर सकता है, तो पीएच बॉन्ड है, अगर ब्रेक करेंगे तो एच बॉन्ड निकल सकता है, दैट्स व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये एसिड भी इसलिए है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
मोनोबेसिक है, ये हमने देख ही लिया। नाउ ये जनरली जो पार्ट है वो डिसोसिएट नहीं होता है, अगर ये टूटेगा तो एच और ओ एच, अब ओ एच वाला पार्ट जनरली टूटता नहीं है इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है, और एच वाला पार्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं पावर लगा करके, दैट्स वाई ये आपका, तो ये भी प्रॉपर्टी ही है जो आपने लिखा ना मोनोबेसिक, सो इट इज रिड्यूस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इसको कर दीजिए टू नंबर, यानी इट इज अ मोनोबेसिक एसिड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन ओ एच बॉन्ड। तो ये आ गया उसका प्रिपरेशन, ये आ गया स्ट्रक्चर, और ये आ गया उसका प्रॉपर्टी। तो दिस इज फॉस्फिनिक एसिड और फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट चलते हम ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो ये हाइपो था, अब हम पढ़ेंगे ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है ये, इसके स्ट्रक्चर्स बहुत पूछते हैं ठीक है, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे मोनो इस बेसिक है डाई बेसिक है यही पूछते हैं, स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं दूसरे ऑक्सो एसिड की ओर, ठीक है, सेकेंड ऑक्सो एसिड दैट इज नोन एज ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, इसी को फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड डिनोटेड बाय H3PO3, हाइपोफॉस्फोनिक तो हो गया था H3PO3, हाइपोफॉस्फोनिक प्रीवियस वन हाइपोफॉस्फिनिक और ये फोनिक है। तो देखिए बनाने का जो स्टेप्स है बहुत आसान है, ये प्रिपरेशन एक ही स्टेप पे प्रिपेयर हो जाता है, दैट इज रिएक्शन ऑफ P2O3 प्लस वाटर, यानी डाइफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो ये H3PO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके व्हेन P2O3 कंबाइंड विद H2O इट फॉर्म H3PO3, और ये इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये डायबेसिक होता है, ये प्रिपरेशन हो गया। नाउ स्ट्रक्चर की बात कीजिए, ये डाया बेसिक होता है, ये पी के साथ में ऑक्सीजन ओ एच ओ एच एच ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3 फॉस्फोरस 1, इसमें ओ एच ग्रुप कितना है 2 है, दैट्स व्हाई, और ये एसिड है तो रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही ठीक है, ये आपका दो मोनो दो ओ एच ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज मोनो बेसिक नहीं है, ये डाई बेसिक है। प्रॉपर्टीज में आ जाएगा कि इट इज डाई बेसिक एसिड, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू ओ एच ग्रुप, इसमें दो ओ एच ग्रुप है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाई बेसिक एसिड। तो इसीलिए एसिड का बेसिसिटी निकाला जाता है, यानी उसमें जो ओ एच ग्रुप होता है ना सिर्फ उसी को ही काउंट किया जाता है बाकी को नहीं। ओके नेक्स्ट वन इज पायरो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, जो थर्ड है ये सेकेंड ऑक्सो एसिड था, अब हम पढ़ेंगे पायरो फॉस्फोरस एसिड। ओके प्रिपरेशन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, सेकेंड वन थर्ड वन पायरो, थर्ड वन इज पायरो फॉस्फोरस एसिड, पायरो
फॉस्फोरस एसिड, स्ट्रक्चर है H3H4P2O5, ठीक है H4P2O5। प्रिपरेशन काफी आसान है, वेन PCl3 इटरेटेड वेन, अभी हमने कंपाउंड पढ़ा है H3PO3, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड से जब ट्रीट करते हैं इसके साथ में तो आपको मिलता है आपको H4P2O5, दैट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसको मल्टी बैलेंस कर लीजिए मल्टीप्लाई करके 5 3 3 3 12 15, राइट, ये आ गया आपका क्या प्रिपरेशन यानी ट्रीटमेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विद PCl5। बात करते हैं स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, तीन ऑक्सीजन हो गया, OH, OH, H, H। अगेन इसमें दो OH है, दैट्स वाई इट इज अ डाइबेसिक एसिड, सो इट इज अ डाई बेसिक एसिड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू ओ एच ग्रुप, दो ओ एच ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई बेसिक। ओके, नेक्स्ट वन इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, हाइपो इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ये पायरोफॉस्फोरस एसिड, नेक्स्ट वन हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फोर्थ वन, फोर्थ वन इज हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरिक है और प्रीवियस हमने पढ़ा हाइपो फॉस्फोरस या हाइपो फॉस्फोरिक है, स्ट्रक्चर इज H4P2O6। प्रिपरेशन मेथड काफी आसान है, रेड फॉस्फोरस को अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फिर वही कैटायन एक्सचेंज रेसिन से, इसमें भी आपके दो स्टेप्स होते हैं, प्रिपरेशन की बात करो तो स्टेप वन फर्स्ट रेड फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विद अल्कली एंड रेड फॉस्फोरस ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो पहले रेड फॉस्फोरस को ट्रीट किया किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2O वाटर के साथ में, अगेन ये वही वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्म करता है NaH2P2O4, ये इंटरमीडिएट टाइप का P2O6, ये एक इंटरमीडिएट टाइप का ही कंपाउंड है आपका। नेक्स्ट वन स्टेप नंबर टू, अब ये जो फॉर्म हुआ है ना उसको कैटायन कैटायन एक्सचेंज कैसाइन रेसिन एक्सचेंज मेथड से पास करते हैं, सो
NaH2P2O6 is passed through cation exchange resin. देखिए कैसे NaH2P2O6 plus H plus resin, H वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, यहां पे 2H करना पड़ेगा बिकॉज जो है इसमें 4 है, तो इसमें आपको कितना दो हाइड्रोजन और बढ़ाना है, तो दो ऐड किया, तो इससे फॉर्म क्या हो गया कि आपका H4P2O6 का फॉर्मेशन हो गया, और सोडियम रेसिन बाहर निकल गया, सोडियम रेसिन का पोर्शन बाहर निकल गया और ये वाला पोर्शन एज इट इज रह गया, इसमें भी आपका 2 आ जाएगा. ओके, तो ये आपका डिजायर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. इसका अब स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, वही जो पीछे साइड में था, फॉस्फोरस कनेक्टेड विद फॉस्फोरस OH ऑक्सीजन OH, ठीक है, इसमें चार चार OH होते हैं, OH तो इसमें 4 OH ग्रुप है, 4 OH ग्रुप यानी टेट्रा बेसिक, ये सीड जो है वो टेट्रा बेसिक है बिकॉज चार चार OH ग्रुप प्रेजेंट है. सो ये एक प्रिपरेशन था, फिर आपका स्ट्रक्चर आ गया और प्रॉपर्टीज में इट इज टेट्रा बेसिक बिकॉज क्यों टेट्रा बेसिक है, बिकॉज ऑफ 4 OH ग्रुप, चार OH ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज टेट्रा बेसिक है. नेक्स्ट वन इज हाइपोफॉस्फोरस, ये तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाउ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी फिफ्थ जो ऑक्सो एसिड है, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये सब बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं हम. ओके, स्ट्रक्चर और ये ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में से एक है, सो फिफ्थ कंपाउंड देखिए, जो पांचवा ऑक्सो ऑक्सीड है दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फिफ्थ वन इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसको फॉस्फोरिक एसिड भी, सिंपल फॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं. ओके, इसका प्रिपरेशन की बात करो तो आसान है, यानी वाटर और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर इट फॉर्म द मेन प्रोडक्ट H3PO4. ओके, हाइड्रोजन 12 6 राइट है, ये आ गया इसका प्रिपरेशन, इसको सिंपली फॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, अगर ऑर्थो वर्ड यूज नहीं करना है तो इसको फॉस्फोरिक एसिड बोल देते हैं, और ये एक ट्राई बेसिक है, स्ट्रक्चर की बात करो तो पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच है. सो ये क्या आ गया इसका, ये था प्रिपरेशन,
ये आ गया आपका स्ट्रक्चर, और प्रॉपर्टीज की बात करो तो इट इज ट्राई बेसिक। इसमें तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राई बेसिक। ओके, नाउ अब आते हैं पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। हमने पाइरो फॉस्फोरस एसिड ऑलरेडी पढ़ रखा है, पाइरो फॉस्फोरिक एसिड, सिक्स ऑक्सो एसिड इज पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? इसमें ऑर्थो के बदले में नंबर सिक्स पाइरो फॉस्फोरिक एसिड H4O2H4P2O7, दिस इज कॉल्ड पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। इसको फॉस्फोरिक एसिड के हीटिंग से ऑब्टेन होता है, यानी बात कीजिए आप प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन इसका बहुत आसान है, बाय हीटिंग, अभी ऊपर पड़ा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को गर्म कर दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज H3PO4 व्हेन हीटेड। इसको हीट करते हैं तो आपका H4P2O7 मिलता है, तो हाइड्रोजन का वैल्यू आपका कितना है 4, बैलेंस कर लीजिए, यहां पे 6 है, 2 कर दीजिए 14, यहाँ पे 7 है ना, 4 है, इसको कंबाइन करना पड़ेगा 7 4, ये जनरल यानी इसका बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दो मॉलिक्यूल्स को हीट कीजिए इसका बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी इसके अलावा भी इसके बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, अदरवाइज ये बैलेंस ही नहीं होगा। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर के बाद ये टेट्रा बेसिक कंपाउंड है, अगेन इट इज अ टेट्रा बेसिक कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोरस ओ फॉस्फोरस, यानी ओ वाला पोर्शन आता है ये OH, 1, 2, 3, 6, 7, ठीक है। सो ये इसका प्रॉपर्टी आ गया, सॉरी प्रिपरेशन आ गया, दिस इज स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज है कि इट इज टेट्रा बेसिक। ये एक टेट्रा बेसिक है बिकॉज यहां पे टेट्रा बेसिक एसिड चार चार OH ग्रुप अवेलेबल है, एंड द नेक्स्ट वन इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये था पायरो फॉस्फोरिक एसिड, नेक्स्ट वन इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये एक पॉलीमर के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एक पॉलीमर्स है, अरे ये पीछे का साइड छूटा, लिखा छूट गया था, उसको हटा दीजिएगा, यहाँ जो लिखा था वो पीछे से ही कैरी आउट हो गया था, इसको रिमूव कर देने का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड दैट इज HPO3, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, पॉलीमर्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसको ऑब्टेन किया जाता है फॉस्फोरिक रिएक्शन विद फॉस्फोरस एसिड विद ब्रोमीन, फॉस्फोरस एसिड यानी प्रिपरेशन की बात करो तो यानी H3PO3
प्लस ब्रोमीन के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो HPO3 प्लस HBr का फॉर्मेशन हो जाता है, बैलेंस्ड है। ओके, दिस इज द प्रिपरेशन। इसका स्ट्रक्चर की बात करो और ये हमेशा ही इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ ट्राइमर और पॉलीमर, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइदर ट्राइमर और पॉलीमर। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर ट्राइमर का फॉर्मेशन करता है तो कैसे, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ठीक है, ये ऑक्सीजन ध्यान रखिए, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये ट्राइमर है तो तीन वाला पोर्शन है। उसके बाद में इसके साथ में एक OH रहता है, ये वाला पोर्शन। सिमिलरली ओ OH, ओ OH, ये आपका ट्राइमर, ठीक है। तो और ये अगर पॉलीमर के फॉर्म में अवेलेबल हो तो पॉलीमर के फॉर्म में ये एक स्ट्रक्चर ये हो गया इसका। या दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कि ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड और दूसरे के साथ में डबल बॉन्ड ओ एच एच, फॉस्फोरस ओ एच ओ ओ एच, फिर ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा इसके साथ में, एक डबल बॉन्ड आएगा, फिर ओ एच कनेक्टेड होगा, ठीक है। फिर इस फॉर्म में ये आपका अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। देखिए एच पी ओ थ्री है तो इसमें ये नहीं आएगा, एच पी ओ थ्री, एच पी ओ थ्री राइट है, हाइड्रोजन वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो या इस ये जो होता है या तो ट्राइमेरिक के फॉर्म में अवेलेबल होता है या आपका पॉलीमेरिक के फॉर्म में अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड साइक्लो ट्राई, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका जो नाम है ये आपका साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, और ये आपका पॉलीमर फॉर्म है, दैट इज पॉलीमेटा। ये एक स्ट्रक्चर हो गया और ये जो है दैट इज पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। यानी स्ट्रक्चर की बात करो तो HPO3N और ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा HPO3 फॉस्फोराइज़। ओके, तो ये जो था आपका 7, ये 7 फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स और खास करके ये आप कौन सा ये बेसिक होंगे, इसमें कितने सारे OH ग्रुप अवेलेबल है, अगर ट्राई बेसिक है तो 1, 2, 3 अवेलेबल है, अगर पॉलीमर है तो बहुत सारे OH हो सकते हैं। इसलिए इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये ट्राइमर है, कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, इसके बेसिस पे इसके डिसाइड होता है कि OH ग्रुप कितना है। उसके बेसिस पे जैसे ये ग्रुप अवेलेबल है 1, 2, 3 तो ट्राई बेसिक, इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स है ये नहीं पता, एक मॉलिक्यूल्स के साथ में एक OH अवेलेबल होता है। ओके, सो दिस 7 are the oxo acids of phosphorus. Okay, तो इसके साथ ही जो ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 में अपने को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पढ़ना था, उसके कंपाउंड्स पढ़ा। ग्रुप नंबर 15 को कंबाइंडली निक्टोजेंस बोलते हैं, ग्रुप नंबर 15 को पी निक्टोजेंस बोलते हैं, बिकॉज ये जो होते हैं वो पॉइजनस नेचर के, जिसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो पॉइजनस नेचर के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि फास्फोरस में जो व्हाइट फास्फोरस था वो पॉइजनस था, ठीक है। तो पॉइजन, दैट्स व्हाई इट इज दिस ग्रुप, यानी ग्रुप नंबर 15 को हम पेनिक्टोजेंस यानी निक्टोजेंस बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, निक्टोजेंस।
तो ये था आपका ग्रुप नंबर 15। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को कमनली क्या बोलते हैं? चेल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 16 इज नोन एज चेल्कोजेंस। चेल्को का मतलब होता है ओर्स, यानी ऐसा ग्रुप जो ओर्स का फॉर्मेशन करता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि ओर्स, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर्स, ठीक है, केमिस्ट्री में आता है। फिर आपके जो 12th है, जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन है, उसमें भी एक्सट्रैक्शंस आते हैं। तो मोस्टली जो ओर्स होते हैं वो या तो ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। दैट्स व्हाई ग्रुप नंबर 16 को चेल्कोजेंस यानी ओर्स प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 15 हो गया, ग्रुप नंबर 16 देखते हैं, जिसका पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, बाद में आपका सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, और सबसे लास्ट में आपका पोलोनियम है। ओके, तो कंपाउंड्स कैसे ऑब्टेन करेंगे ये लिए, सो ग्रुप नंबर 16 इज कंबाइंडली नॉन एज व्हाट? चेल्कोजेंस। Now we will start group number 16. Group number 16. Okay? Group number 16 is non. Group number 16 element is known as chalcogens, yani ores producing element. ठीक है, ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड लास्ट वन इज पोलोनियम। दिस आर द एलिमेंट। इसमें से ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है वो आपका नॉन मेटल्स है। ओके, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलुरियम इट इज अ मेटालॉइड्स, एंड पोलोनियम मेटल्स है लेकिन ये रेडियो एक्टिव है। मैडम क्यूरी ने इसका डिस्कवरी किया था, पोलोनियम एंड रेडियम दोनों का डिस्कवरी किया था, तो वो अपने कंट्री के नाम से, पोलैंड के नाम से पोलोनियम इसका नाम रखा था। सो इट इज अ रेडियो एक्टिव मेटल्स है, दिस आर रेडियो एक्टिव मेटल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज जो ग्रुप नंबर 15 का आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सॉरी 16 का आयोनाइजेशन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, वो पूरे पीरियोडिक टेबल में ही ऐसा होता है कि टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होता है। रीजन, साइज बढ़ना, उसका जो साइज होता है वो आपका बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई ग्रुप नंबर 16 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़े। तो जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान पड़ जाएगा, बिकॉज
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं रहेगा जितना यहाँ पे है, यहाँ डिस्टेंस कम है तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, सो इन ग्रुप नंबर 15, इन ग्रुप नंबर 16 आयोनाइजेशन, एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का साइज बढ़ता है तो उसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी इजी हो जाता है। ओके, ग्रुप नंबर 16 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 15 से कम होता है, ठीक है? यानी ग्रुप नंबर 15 का देखिए जनरली हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपने क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो आपने वहां पढ़ा होगा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है, आपने यही पढ़ा होगा, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, क्यों? बिकॉज लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज घटता है, लेफ्ट टू राइट एटम का साइज घटता है, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, सो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप नंबर 15 है और ये ग्रुप नंबर 16 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड ग्रुप नंबर 16 राइट साइड है और ग्रुप नंबर 15 लेफ्ट साइड है, तो ग्रुप नंबर 16 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए ग्रुप नंबर 15 से, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज ये एक्सेप्शनल, ये जो दो ग्रुप है ये एक्सेप्शनल केसेस में से आते हैं, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, एटॉमिक साइज की बात करो तो एटॉमिक साइज जो ग्रुप नंबर 16 का छोटा है ग्रुप नंबर 15 से, एटॉमिक साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका साइज जो है वो छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका बड़ा होना चाहिए, छोटा साइज है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपका ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? इसमें क्यों, व्हाई? ग्रुप नंबर 15 हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप नंबर 16। तो यह हम एक्सप्लेन करेंगे कि दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स आर मोर देन ग्रुप नंबर 16। इसके पीछे रीजन है इसका हाफ फील्ड होना, ग्रुप नंबर 16, अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया, ग्रुप नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2P4, दिस इज दी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं लिख देता हूं, और ये है ग्रुप नंबर 16 का, और ग्रुप नंबर 15 हमने पीछा पढ़ा है उसमें NS2P3 है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ड्रॉ कर लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4, तो इसका ऑर्डर में देखिए जब जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन वाले में
एक दो, नाइट्रोजन के पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन, और इसमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, एक दो तीन चार। आपने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, यानी नाइट्रोजन जो है हाफ फिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल चीजों को, स्टेबल से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता है, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा बिकॉज ये पहले से स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ता है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जबकि ऑक्सीजन में चार इलेक्ट्रॉन है, यानी मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दूं तब जाकर के ये हाफ फिल्ड होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजीली निकाल देगा, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने से ये स्टेबल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी काफी कम होगा, यानी ऑक्सीजन का जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होगा, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं। फिर ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 में एज इट इज फॉलो होता है लेफ्ट टू राइट वाला कंडीशन, तो ये याद रखिएगा, ये लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज मोर देन द ग्रुप नंबर 16 बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड स्टेबल ऑर्बिटल। सो ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट इज मोर देन ग्रुप नंबर 16 बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप नंबर 15 के जो पी होते हैं वो हाफ फिल्ड होता है, एंड हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, ये लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, तो ध्यान से सॉल्व करने का, ओके, ग्रुप नंबर 15 से, ओके। नाउ टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो हमने पढ़ा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम घटा चूंकि साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा, सो इसमें लास्ट में लिख देते हैं कि ऑक्सीजन एटम जो है का लेस इलेक्ट्रो लेस नेगेटिव आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुट करना है, ठीक है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस है ऑलरेडी अट्रैक्शन में, साइज बढ़ेगा, ठीक है, साइज बढ़ेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन रखने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि अभी आपके इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस भी खींच सकता है, बाद में तो न्यूक्लियस भी सपोर्ट नहीं करेगा, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन एटम का जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपका निगेटिव होते हैं, सो ऑक्सीजन एटम हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, ऑक्सीजन हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन का साइज कॉम्पैक्ट होता है ड्यू टू द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ सेल, due to a smaller size of oxygen repulsion of electron is more, oxygen का size compact होता है, ठीक है, यानी size compact होगा तो cell भी क्या होगा compact, size छोटा होने से क्या होता है सेल के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा छोटा, तो ऐसे में अब इलेक्ट्रॉन अगर रखोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा, सेल ज्यादा होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि रिपल्सन कम होता है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस निगेटिव होता है बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट साइज। आपने पढ़ा होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव आपका क्लोरीन का होता है, तो सल्फर
और ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन रखोगे तो ऑर्बिटल्स के बीच का जो सेल के बीच का डिस्टेंस है वो कम है, तो रिपल्सन क्या होता है ज्यादा, तो आप उतना इजिली इलेक्ट्रॉन को रखने पाओगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है तो मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन रखने में अगर एनर्जी रिलीज होता है तो उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन रखने में एनर्जी देना पड़ता है तो उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले हैं। तो देखिए, कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, ओके तो अगर मैं इसके एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। लेकिन अगर किसी आउटर मोस्ट में ऑलरेडी मान लीजिए पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है, और तब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आप इजिली इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाकर के आप बाहर से इलेक्ट्रॉन को इसमें रख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपका निगेटिव हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज करे वो पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन दे एनर्जी देना पड़े वो आपका निगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर के रेस्पेक्ट में निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट के। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देते हैं हम, जो छूट गया है, ओके। दिस इज द बेसिक आइडिया, अभी हमने उसके कंपाउंड्स के रिगार्डिंग नहीं किया, अभी तो ये ग्रुप नंबर 15 का जनरल पार्ट है, और इसमें भी हम ऑक्सीजन एंड सल्फर यानी पहले जो दो एलिमेंट है उसे ही पढ़ना है अपने को। बहुत सारे ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है या डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसमें से लॉजिकल क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे ट्रेंड से उल्टा चल रहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, और ऐसे क्वेश्चन के लिए थ्योरीज आपको ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। सो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज NS2NP4 होता है इसका, ओके। ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी लास्ट में ना फुल फील्ड होता है ना हाफ फील्ड होता है, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये फुल स्टेबल हो सकता है। देखिए मैक्सिमम ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6, ये 2 और 4, मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। और मिनिमम कितना एनर्जी ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए -2, दैट्स व्हाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के +6 के बीच लाई करता था। हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट, ठीक है। तो ऑटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर है कि ये मैक्स टू मैक्स आपने बहुत ज्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड किया तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। और अगर लेना चाहे तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसमें 2 और 4, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से है, तो इलेक्ट्रॉन ले कितना सकता है, 2, तो इसका मैक्सिमम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो -2। तो ग्रुप
नंबर 16 का जो ऑसिलेशन स्टेट है वो -2 से +6 के बीच लाई करता है, ठीक है। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट जो है, ओके, वेरीज -2 या एलिमेंट के जो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन सा शो करता है, एलिमेंट और -2 +2 +4 एंड +6, ये चार ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट शो करता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन था, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, सो ऑक्सीडेशन दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर -2 डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कुछ इसी टाइप की हम प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 15 में देखे थे। क्यों -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्यों घटता है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ता है और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि ये चार्ज कौन सा है -2, तो ऊपर ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, लेकिन जब नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं रहेगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर -2 डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई होता है, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वेरी हाई, हेंस इट शोज, यानी इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, शोज ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, शोज ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का, तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन का साथ आता है तो ऑक्सीजन का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेप्ट इन OF2, एक्सेप्ट इन OF2, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नेगेटिव है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, एक्सेप्ट इन व्हिच इज इन व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इज +2, इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन का है वो आपका +2 है, बाकी इन जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है वो हमेशा ही नेगेटिव -2 के बराबर होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसीलिए जैसे जैसे नीचे आओगे अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा कंपाउंड यानी कौन सा एलिमेंट किस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा शो करता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है एक्सेप्शनल केस जब फ्लोरीन के साथ आए, तो क्लोरीन से इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है तो क्लोरीन के साथ कंपाउंड में भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एज इट इज मेंटेन रहता है, ठीक है। नाउ अब करते हैं प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो दूसरा जो एलिमेंट है वो +2 +4 और +6 तीनों से करता है,
यानी रेस्ट ऑल एलिमेंट सोर्स आइदर +2, +4 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। रोजेस्ट वन है वो आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट +2 शो करता है, कौन कौन सा एलिमेंट +4 करता है और कौन +6 करता है। ओके तो इसके बाद मैं ऊपर रिपीट कर देता हूं। इसके जस्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सल्फर सल्फर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम सल्फर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सल्फर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम शोस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, यानी सल्फर जैसे SO2 है, SO2 है इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन +4 आएगा। तो जब सल्फर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम जो है वो आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, एंड +6 शो करता है विद एंड विद फ्लोरीन इट शोस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल की बात करो तो देखिए SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो जब ये कंपाउंड सल्फर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम ऑक्सीजन के साथ आता है तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, और यही चीज SF6 कंपाउंड बनता है जहां पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका +6 है। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा करता है, ऑक्सीजन, एंड +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय +4 जो होता है और सबसे ज्यादा शो करता है जब ये तीनों कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ में तब, और 6 शो करता है जब वो फ्लोरीन के साथ आए तब। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे +6 का जो +6 वाला पार्ट है उसका स्टेबिलिटी घटता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ऑब्वियसली बात है +6 क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नीचे आकर के एटॉमिक साइज चेंज हो जाता है, इतना इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी भी घट जाता है। सो टॉप टू बॉटम द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस जबकि 4 का इंक्रीज होता है, व्हाइल द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये पेयर मैं ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से टॉप टू बॉटम +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है, +6 का घटता है। कौन कौन से केस में +6 शो करता है, अगर ये तीनों ऑक्सीजन के साथ बनाए तो, और अगर ये फ्लोरीन के साथ बनाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 रहता है। ठीक है, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट ग्रुप नंबर 16। अब देख लेते हैं हम हाइड्राइड्स, उसके बाद में फिर ग्रुप नंबर 16 के अलग अलग कंपाउंड से स्टार्ट हो जाए। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट, होपफुली
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16. यानी हम कंपाउंड्स पे आ गए. अब पहले हमने बेसिक इंट्रो पढ़ा, अब उसका ग्रुप नंबर 16 का हम बेसिक हाइड्राइड्स, उसके बाद फिर पर्टिकुलर ऑक्सीजन का ऑक्साइड्स हुए, ऑक्सीजन एसिड्स हुए, ये सब पढ़ेंगे. सो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16. ग्रुप नंबर 15 के जैसे ही ये भी ग्रुप फॉर्म करता है. सो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स फॉर्म दी हाइड्राइड्स ऑफ टाइप ई टू एच. ई मतलब एलिमेंट, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट टू एच, जैसे नहीं, ई एच टू होगा, ई टू एच तो फॉर्म कैसे करेगा ये, ठीक है. एग्जाम्पल या एच टू ई टाइप का, एच टू ई के बदले में ऑक्सीजन, एच टू ई के बदले में सल्फर, एच टू ई के बदले में सेलेनियम, एच टू ई के बदले में टेल्यूडियम, ठीक है. ऐसे ही आप डाले पोलिनियम कंपाउंड. ओके, जहां पे यानी ई का वैल्यू क्या है, ई एलिमेंट है किसका, ग्रुप नंबर 16 का. नेक्स्ट हो जाएगा एच टू पीओ हाइड्रोजन के कंपाउंड. सो इस टाइप के ही कंपाउंड फॉर्म करता है. उसमें H3N था, ग्रुप नंबर 15 H3 H के फॉर्म में फॉर्म करता था. ग्रुप नंबर 15 में H3E था, इसमें H2E है, नेक्स्ट वाले में HE होगा, यानी एक एक हाइड्रोजन जो है था आपका घटता जाता है. सो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स. ओके, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट इज H2O2 H2PO बढ़ता है. सो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट इज H2O2 H2. बोलोगे H2PO क्या लिखा, PO रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसके कंपाउंड्स रेयरली ही होते हैं, यानी यहां रख तो दिए लेकिन पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, इसीलिए वो खुद ही डिसइंटीग्रेट होता है, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट रेयरली लेता है, दैट्स व्हाई. सो H2O2 H2T इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता है. एसिडिक करेक्टर तब बढ़ता है जब हाइड्रोजन लूज करने का टेंडेंसी बढ़े. तो यहां एसिडिक करेक्टर क्यों बढ़ा, बिकॉज हाइड्रोजन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ता है. देखिए हाइड्रोजन लूज करने का टेंडेंसी कैसे बढ़ता है, बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू लूज दी हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी. कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन के एलिमेंट है, सल्फर है ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, सेलेनियम है हाइड्रोजन है, तो साइज बढ़ा, साइज बढ़ने से इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, और बॉन्ड अगर बड़ा होगा तो तोड़ना आसान पड़ता है, तो ये तुरंत बॉन्ड टूट करके हाइड्रोजन रिलीज,
अच्छा जल्दी से निकल गया हाइड्रोजन तो अच्छा एसिड हो गया, ये बॉन्ड थोड़ा टफ टूटेगा, ये बॉन्ड थोड़ा और होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटना मतलब बॉन्ड तोड़ना बहुत इजी हो जाना। तो जैसे ऐसे साइज बढ़ा तो क्या हुआ, आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ा, तो चीजें बड़ी होती उसको तोड़ना काफी इजी होता है, और टूट गया तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर घट गया, इसका मतलब हुआ कि हम हीट देंगे तो तुरंत बॉन्ड टूट जाएगा, और हीट देने से अगर बॉन्ड टूट जाए तो हम उसको बोलते हैं थर्मली अनस्टेबल। तो टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटता है, यानी बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि वो थर्मली अनस्टेबल हो गया, यानी हीट देने से तुरंत टूट जाएगा। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बिकॉज हीट देंगे वो इजिली फॉर्म में क्या होता है, टूट जाता है। नाउ ऑल हाइड्राइड एक्सेप्ट वॉटर पजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वॉटर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, सो ऑल हाइड्राइड एक्सेप्ट वॉटर सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स एक्सेप्ट H2O shows what reducing characteristics, सारे पास reducing characteristics होता है। ठीक है, and ये जो reducing characteristics है वो top to bottom बढ़ता है, and reducing property of hydrides increases from top to bottom, कहने का मतलब कि H to S से लेकर के H to TE तक reducing character, यानी जितना नीचे जाओगे reducing power उतना बढ़ेगा। ये सब एमसीक्यू में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया, तो आपको याद होना चाहिए कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, बाकी जो सारे पोर्शन है वो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, और टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो आपका घटता है। ओके, तो वाटर को छोड़ के सारे के सारे ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका किसके, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशंस पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 16, जैसे O2 है, ऑक्सीजन है, उसी का बनता है आपका ओजोन, O3 बनता है। ठीक है, फिर सल्फर के कंपाउंड्स होंगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड्स होंगे, यानी इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द प्रॉपर कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, यानी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट का। ओके?